नमस्कार दोस्तों, आज हमारी ये वीडियो बहुत ही खास और हेल्पफुल होने वाली है, जहां बात होगी शुगर से रिलेटेड। जी हां, शुगर हमारी लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करती है। चाय, मिठाई, शरबत तो चीनी के बिना बन ही नहीं सकते, लेकिन आज मैं आपको चीनी को स्किप करने के एक नहीं 17 बेनिफिट्स बताऊंगा और साथ ये भी जानकारी दूंगा कि ज़्यादा शुगर खाने के कितने नुकसान हैं, ये हमारी बॉडी पर कितने बुरे इफेक्ट डालती है। सिर्फ शरीर ही नहीं, मन, मस्तिष्क भी ज़्यादा चीनी खाने से दिक्कत महसूस करने लगता है। लेकिन ये प्रॉब्लम होती कौन सी है और कैसी है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप 21 दिन शुगर चीनी को कंज्यूम नहीं करते हैं तो आपको इसके 17 फायदे देखने को मिलेंगे, लेकिन ये कौन कौन से हैं, इन्हें जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इसलिए थोड़ा सा टाइम निकालकर मेरे साथ इस वीडियो को समझें, सुने और इस 21 दिन के चैलेंज को अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको 17 जादुई फायदे देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी हेल्थ, माइंड, पूरी लाइफ को बदल कर रख देंगे। लेकिन हम वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप जल्दी से हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, ताकि मेरी हेल्पफुल वीडियोस आप तक यूं ही टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। तो मैं डॉक्टर सहज जोशी अब आपको उन 17 बेनिफिट्स के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको शुगर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। शुगर, जिसे हम टेस्ट, मिठास के लिए खाते हैं, इसमें मिठास के अलावा कुछ नहीं होता, यानी इसमें कोई फायदा पहुंचाने वाले तत्व मौजूद ही नहीं है। आजकल लोग वजन घटाने के लिए ना जाने कितने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, रनिंग, एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अगर आप लगातार शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए आप 21 दिन तक शुगर को स्किप कर दीजिए। हाँ, ये आपके लिए थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि शुगर एक एडिक्शन है, एक नशा है जो हमें खुद से दूर नहीं होने देता। लेकिन यकीन मानिए, जब आप इसे छोड़ने के बेनिफिट्स को जानेंगे तो आप शुगर को छोड़ना ही बेहतर समझेंगे। अगर आप शुगर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो इससे ना सिर्फ वजन बढ़ता है बल्कि मोटापा, अनफिट बॉडी भी होने लगती है, क्योंकि शुगर कैलोरीज का एक भंडार है और यही कैलोरीज शुगर की मदद से आपके शरीर में जाकर फैट का रूप ले लेती है, जिससे मोटापा, वजन बढ़ने लगता है। बेनिफिट नंबर 2, चमकदार स्किन का ख्वाब लड़का हो या लड़की, हर कोई देखता है, हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा हमेशा दमकता रहे, झुर्रियां उसकी उम्र जाहिर ना करे। अगर आप भी ऐसा ही चाहते हैं तो आपको 21 दिन के लिए शुगर स्किप करनी होगी, ताकि आपका चेहरा बेहतर हो सके। शुगर को छोड़ने के बाद चेहरे में निखार और त्वचा में सुधार देखने को मिलता है। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो कमेंट में जरूर यस लिखिए। अब बढ़ते हैं तीसरे फायदे की तरफ, जो कि है स्थिर ऊर्जा का स्तर। हर कोई आज भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को एनर्जी से भरपूर रखना चाहता है। ढीलापन, सुस्ती, काम में मन ना लगना, इन सबको हर कोई अवॉइड करता है, लेकिन कुछ लोगों में फिर भी ये प्रॉब्लम जन्म ले लेती है, क्योंकि इसकी वजह भी शुगर ही है, जो आपके मुंह में मिठास घोलकर आपको खुश करती है, लेकिन फिर यही लॉन्ग टर्म के लिए जिंदगी में जहर घोलने का काम करती है। शुगर को कंज्यूम करने से फ्रेशनेस, एक्टिवनेस खत्म होती जाती है। खुद को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए आपको शुगर से दूरी बनानी ही होगी। नेक्स्ट इज टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है अगर आप शुगर छोड़ते हैं तो। वैसे तो टाइप 2 डायबिटीज के बहुत से कॉजेज हैं, जिनमें जेनेटिक भी शामिल है, लेकिन कहीं ना कहीं शुगर भी इसे जन्म दे सकती है। कैसे, वो आपको अभी समझाते हैं। जब हम शुगर कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन नाम का एक हार्मोन तैयार होने लगता है। जैसे जैसे आप शुगर खाएंगे वैसे वैसे इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा। इस तरह बार बार लगातार शुगर खाते हैं तो जो इंसुलिन का स्पाइक आ रहा था वहां पर रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। ज्यादा शुगर कंज्यूम करने से आपकी बॉडी मसल्स को भी शुगर की आदत पड़ जाती है और वो भी शुगर की डिमांड करती हैं। इसी से टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा मंडराने लगता है। वहीं अगर आप शुगर को 21 दिन के लिए छोड़ते हैं तो आपको नेक्स्ट बेनिफिट ये मिलेगा, जो कि है भूख कम लगना। जी हाँ, भूख ज़्यादा लगना, ज़्यादा खाना खाना, ये भी एक इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक साइकिल बन जाता है, जिसमें आपका शरीर खाने की डिमांड करता रहता है
और फिर जब आपकी मसल्स तक शुगर पहुंचती है तो वो आपके दिमाग को सिग्नल भेजती है, जिसके बाद आपका दिमाग उसी के अकॉर्डिंग काम करता है और आपको बार बार भूख लगने लगती है। जब आप शुगर का एक्सेस इनटेक कम कर देते हैं, एक्सेस शुगर पर रोक लगा देते हैं, तो आपकी भूख भी अपने आप ही कम होती जाएगी और जब आप कम खाएंगे तो वजन बढ़ने की प्रॉब्लम भी खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। इसलिए आज से शुगर छोड़ने का मन बना लीजिए ताकि आपको अगला बेनिफिट मिल सके। अगर आप शुगर खाना बिल्कुल बंद कर देंगे तो आपका स्थिर मनोबल का बेनिफिट देखने को मिलेगा। जी हाँ, सही समझे, शुगर जो होती है वो आपके मनोबल पर इफेक्ट डालती है, उसे प्रभावित करती है। अगर आप इसे स्थिर करना चाहते हैं तो आपको शुगर को खुद से दूर रखना होगा, जिसके बाद आपकी मनोदशा जो है, आपका जो मनोबल है वो स्थिर हो जाएगा। साथ ही शुगर को स्किप करने से आपका मनोबल पॉजिटिव भी हो जाएगा और आपके दिमाग में पॉजिटिविटी और अच्छी सोच ही पैदा होगी। शुगर को छोड़ना बहुत मुश्किल है, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसलिए अगर आपको एक अच्छी हेल्दी लाइफ, हेल्दी बॉडी चाहिए तो आपको शुगर खाना बंद करनी होगी, क्योंकि शुगर भले ही थोड़े टाइम के लिए आपको खुशी दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये डिप्रेशन, निराशा, मन उदास उदास जैसी समस्या पैदा कर देती है, जिसके बाद आपको अकेले अकेले रहने, खुद में खोए रहना अच्छा लगने लगेगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगला फायदा जुड़ा है दिल से। ऐसा देखा गया है कि जो लोग ज्यादा शुगर का सेवन करते हैं उसका सीधा सीधा असर उनके दिल पर पड़ता है, इससे ही हार्ट प्रॉब्लम्स भी बनना शुरू होती हैं। इसलिए शुगर को स्किप करने से आपकी हार्ट हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगला पॉइंट बेहतर आंतों के स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होना कितना जरूरी है ये शायद हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंतें सही होंगी तो हमारा शरीर भी प्रॉपर कंडीशन में रहकर सही काम करेगा। लेकिन जब शुगर लेते हैं तो आंतों में मौजूद गुड और बैड बैक्टीरिया का संतुलन है वो अफेक्टेड हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी आंतों के लिए अच्छा नहीं है। पर जब आप शुगर इंटेक कम करेंगे तो ये बैलेंस इंप्रूव हो जाएगा, डाइजेस्टिव हेल्थ में भी सुधार आ जाएगा। दसवां बेनिफिट है कि शरीर में स्वेलिंग कम हो जाती है। जी हाँ, अगर आपके शरीर में सूजन रहती है या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में सूजन आने की समस्या बनी रहती है तो शुगर को स्किप करने से ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। 11th पॉइंट इज हार्मोनल बैलेंस। हार्मोन्स का संतुलन में रहना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये डिस्ट्रैक्ट तब हो सकता है जब आप ज्यादा मात्रा में शुगर खाएंगे। शुगर हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ सकती है, लेकिन अगर आप इसे अवॉइड करते हैं तो हार्मोनल बैलेंस तो बना रहेगा, साथ ही साथ आपको भी बहुत अच्छा सा फील होने लगेगा, आप रिलैक्स फील करेंगे। अगला 12वां फायदा है लंबे समय तक हेल्दी रहना। क्या आप लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं? चाहते हैं कि बार बार आप बीमार ना पड़े, आपको वायरल इन्फेक्शन ना हो, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, तो ऐसे में लॉन्ग टाइम तक शरीर को मेंटेन रखने के लिए भी शुगर को छोड़ना बहुत जरूरी है। 13वें नंबर का फायदा है बेहतरीन नींद। आजकल लोग काम की वजह से सो नहीं पाते और अच्छी नींद लेने के लिए लोग जाने कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। स्लीपिंग पिल्स, नींद आने वाली गोलियां लोगों की जरूरत बन गई है, लेकिन ये हेल्थ के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। अगर आप इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको शुगर, चीनी छोड़नी ही छोड़नी होगी, जिसके बाद आपको अच्छी नींद आएगी। 14th नंबर का बेनिफिट है लंबी उम्र। हर कोई चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जिए, उसकी लाइफ की टाइमिंग ही नहीं बल्कि क्वालिटी भी अच्छी हो, वो निरोग पूरी जिंदगी गुजारे, तो ऐसे में भी आपको शुगर बंद करनी होगी। 15वां नंबर का फायदा है कि शुगर छोड़ने से आपके इम्यून सिस्टम, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बेहतर और मजबूत होती है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर मजबूत रहेगी तो जल्दी जल्दी आपको बीमारियां नहीं पकड़ती हैं। 16वें नंबर का बेनिफिट की बात करें तो वो है सेक्सुअल लाइफ से रिलेटेड। जी हाँ, अगर आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को खुश और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको हमारा 21 दिन का शुगर चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा। अब आखिरी बेनिफिट है दांतों को खराब होने से बचाना। आपने भी अपने बच्चों को कभी ना कभी तो ज्यादा मीठा खाने से मना किया होगा, ताकि आपके बच्चों के दांत सही रहें, उनमें कीड़ा ना लगे। यही एडवाइस मैं आपको भी दूंगा कि अगर आप अपने दांतों को ठीक रखने के लिए शुगर ना खाएं, क्योंकि इससे दांतों में कैविटीज बन सकती हैं, मसूड़ों में सूजन आ सकती है,
ऐसी ही दांतों से रिलेटेड और भी दूसरी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, लेकिन इन सब से बचा जा सकता है। और इसके लिए क्या करना होगा आपको? जी हाँ, वी हैव टू अवॉइड शुगर, वी हैव टू स्किप शुगर। तो अब इन बेनिफिट्स को जानने के बाद भी आप शुगर से दोस्ती रखेंगे या फिर 21 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? ये चैलेंज आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा और इसका एहसास आप खुद करेंगे। और ये वादा है आपको मुझसे नहीं, अपने आप से करना है कि विदाउट एनी चीटिंग जब आप 21 दिन पूरा कर लेंगे तो आपको अलग ही खुशी का एहसास होगा। लेकिन इस बीच अगर आप शुगर खा लेते हैं तो उस दिन से फिर से 21 दिन पूरे करने का फैसला कीजिए और मुझे यकीन है कि आप ये जरूर कर दिखाएंगे। लेकिन मुझे कमेंट में बताना ना भूलें। और जो इस चैलेंज को कंप्लीट कर चुके हैं वो ऐसे ही धीरे धीरे शुगर को कम करते जाएं या फिर शुगर की जगह नेचुरल बिना किसी बैड इफेक्ट के शुगर आती है उसे भी ले सकते हैं। इससे आपकी हेल्थ भी बेहतर बनी रहेगी। और आपको मेरी ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हाँ, अपने करीबी लोगों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।